चलिए आज डायरेक्ट किचन से आपसे बात करते हैं। आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ राधे सा, राधे सा का योग भरा राधे राधे। आज बात करूंगी काली रोटी की। अब ये रोटी मुझे खाते हुए तो बहुत देर हो गई, बहुत सारे फायदे हैं, फायदे मैं स्टूडियो में जाके गिनाऊंगी, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। अब लोगों का क्वेश्चन होता है कि काली रोटी जो है वो, पहली क्वेश्चन कि इसमें क्या क्या मिक्स करके आप बनाते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स तो उसके बताए ही जाएंगे। अब लोगों को लगता है शायद ये जो ज्वार और बाजरे की रोटी होती है इसे बनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है। तो मेरे पास भी बहुत सारे प्रश्न आए तो मुझे लगा चलिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ जो मैं रोज अपने लिए बनाती हूँ। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी काला आटा, उसमें किस तरह के आटों को मिलाया जाता है, किन तरह की चीजों को मिलाया जाता है ताकि आपकी हेल्थ दुरुस्त रहे और आपको खाना खाने के बाद गिल्ट भी ना हो। तो मैं काफी तरह के आटों को मिलाती हूँ जो कि बड़ी ही इजीली अवेलेबल है। तो मैंने ये काला आटा किस तरह से बनाया है ये भी सिखाऊंगी, और रोटी भी बड़ी आसानी से बनती है ये बनाकर दिखाऊंगी ताकि आप मोटिवेट हो जाए और आप भी अपनी लाइफ में इसको इंक्लूड कर दें। तो चलिए देखते हैं, काला आटा मैं आपके सामने गूंदने वाली हूँ और सामने रोटी बेल कर दिखाने वाली हूँ कि कितना आसान है। बस उतना ही आसान है जितना आप वीट का जो आटा होता है उसको यूज करते हुए आप रोटी बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करें। तो ये देखिए मैंने अपना काला आटा ले लिया जिसको मैंने कुछ आटे को मिलाकर बनाया है, और अब मैं इसे गूंद लूंगी। आप देखेंगे गूंदना भी कितना आसान है, उल्टा इसको गूंदना ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अब हमें तो यही सब कुछ चाहिए कि जहां पर मेहनत कम करनी पड़े, टाइम कम लगाना पड़े और हेल्थ मिल जाए, तो बस नथिंग लाइक दैट। ये देखिए कुछ भी नहीं, मेरी अपनी रोटी के लिए मैंने थोड़ा सा आटा लिया है और थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला, ये देखिए, और ये सारा अच्छे से जुड़ गया। अब बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि इसकी रोटी शायद मक्की की रोटी की तरह बहुत ही चैलेंजिंग होने वाली है, बिल्कुल भी नहीं। ये लीजिए, और सबसे अच्छी बात ये जुड़ भी गया, इसको बहुत ज्यादा आपको इसके साथ वर्कआउट नहीं करना पड़ता। सो ये लीजिए, इतना जल्दी तो आपका कनक का आटा भी नहीं गुथता। ये लीजिए, ये रेडी हो गया। अब कैन यू सी दैट दिस इज परफेक्टली फाइन टू मेक रोटी। चलिए अब मैं आपको रोटी बना के दिखाती हूँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा क्लोजअप में आना पड़ेगा। ये लीजिए, इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे और फिर इसकी रोटी बनाएंगे। चलिए रोटी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए वो सब मैंने अपने पास रख लिया। ये मेरा आटा रेडी है, रेस्ट भी हो गया है। अब मैं जितनी भी बड़ी रोटी बनाना चाहती हूँ उस हिसाब से आप इसका एक गोली बना लीजिए। हम इसे पेड़ा कहते हैं, आप जो भी कहते हैं। ये इस तरह से बना लिया। अब आप देखिए बड़े ही आराम से, अब आपकी ये शिकायत की रोटी बनानी मुश्किल है ये मैंने देख लीजिए आज आपके सामने बनाकर प्रूव कर दी। ये लीजिए, और ये वैसे ही फूलती है जैसी आपकी कनक की रोटी। ये देखिए कितने आराम से घूम रही है, बिल्कुल भी जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और ये आटा आपकी लाइफ में कितना बदलाव लाएगा ये आपको मैं अभी इसके बेनिफिट से बताऊंगी। देखिए आई मेक गुड रोटीज, लुक एट दिस, कितनी अच्छी है। थोड़ा क्लोजअप से दिखाऊं, ये देखिए परफेक्ट रोटी, बिल्कुल टूटी नहीं, कोई एजेस खराब नहीं हुए, कुछ खराब नहीं हुआ। और आपने देखिए कितना अच्छे से ये आराम से बनने वाली रोटी है। अब इसके फायदे जानने हैं, ये जानना इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या क्या डाला गया है, कौन कौन सा आटा मिक्स किया गया है, किस मात्रा में डाला गया है, और बनाने का तरीका तो आप सीख ही चुके हैं। तो आज ही अपनी लाइफ में इस आटे को ले आइए और दूसरे आटे को हटा दीजिए अगर आपको स्वस्थ रहना है। अगर आप 30 एज से ऊपर आ चुके हैं तब तो ये आपके लिए मस्ट है। चलिए डायरेक्टली स्टूडियो से आपको मैं इसके बेनिफिट्स और इंग्रेडिएंट सिखाऊंगी। सबसे पहला इंग्रेडिएंट इसमें डाला है मिलेट यानी बाजरा। बेनिफिट्स क्या है इसके, विटामिन B3 होता है इसके अंदर। विटामिन B3 जो है वो हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को ठीक रखने में मदद करता है। BP हो, दिल का दौरा पड़ा हो, स्ट्रोक हो, गठिया का दर्द हो, इन जैसे रोगों को भी कम करने में मदद करता है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। दूसरी बात, मिलेट Type 1 और Type 2 डायबिटिक लोगों के लिए तो मस्ट है, इसीलिए डॉक्टर ज्यादातर उन्हें इस तरह के ग्रेन खाने को कहते हैं। मिलेट जो है वो फैट को दूर करता है, मोटापा कम करने में मदद करता है। आई एम श्योर ये सब हम सुनना चाहते थे। मिलेट कैंसर रोग से भी मुक्ति कराने में मदद करता है। एस्थमा का रोग हो,
मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो उसे भी दूर करने में मदद करता है, आपके पाचन तंत्र को ठीक करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, हेल्दी स्किन देता है, अच्छे बाल देता है, बालों से संबंधित जो भी समस्याएं हो मिलेट खाकर देखिए सारी ठीक हो जाएंगी, किडनी लिवर इम्यून सिस्टम इन सबको स्वस्थ रखता है मिलेट। तो पहला है मिलेट। दूसरा आटा जो आपने डालना है वो है फिंगर मिलेट यानी रागी। रागी को सुपर फूड कहते हैं क्योंकि ये जरूरी पौष्टिक तत्वों से भरपूर है, कैल्शियम से भरपूर, जो हमारी हड्डियों को, हमारे दांतों को ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या से बचाने में हमें मदद करेगा। कैल्शियम से भरपूर होने के कारण जो बच्चे हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए रागी के बहुत ही फायदे हैं। कैल्शियम के अलावा रागी के फायदे जो है वो विटामिन डी से भरपूर है, डायबिटिक लोगों के लिए तो मस्ट है। अब जो रागी है वो आयरन से भी भरपूर होने की वजह से जिन लोगों को हीमोग्लोबिन में कोई प्रॉब्लम है, एनीमिया है, उनको तो ये खाना ही चाहिए। एंटी एजिंग सुनना चाहते थे, बढ़ती उम्र के जो लक्षण हैं वो त्वचा पर झुर्रियां या फाइन लाइंस या कभी कभी पिगमेंटेशन भी हो जाती है उससे भी बचाएगा। तो लेडीज आपके लिए तो ये जरूरी हो गया। माइग्रेन अगर किसी को है तो ये इंक्लूड कर लीजिए अपने डाइट में। वेट लॉस तो ये करेगा ही क्योंकि ये फाइबर से भरपूर है, ज्यादा देर तक आपके पेट को भरा रखता है, आपको भूख कम लगती है और आप बार बार जो बिंज ईटिंग करते हैं वो बंद कर देंगे। आपको अगर एनर्जी लॉस लगता है, दिन भर आपको लगता है कि आप आलसी की तरह लेटे रहते हैं, आपका शरीर, आपका दिमाग आलसी हो गया है, तो इसे ऐड करके देखिए। आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हद तक बढ़ने वाला है क्योंकि इसमें कार्ब्स जो है वो है, अनसैचुरेटेड फैट है जो हमारे शरीर को आलसी होने से बचाता है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो आपको डालना है वो है मोरिंगा पाउडर। जो मोरिंगा का पेड़ है उसे मिरेकल ट्री कहा जाता है क्योंकि इसमें विटामिन्स और मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन B6 भर भर कर होते हैं। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन ई, मैग्नीशियम की मात्रा भी बहुत ज्यादा होती है। तो दवाइयां लेने से या सप्लीमेंट्स लेने से अच्छा है आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, हड्डियों की हेल्थ, त्वचा की हेल्थ, ये सब आप में ठीक हो जाएगा। प्रोटीन का ये बहुत ही अच्छा स्रोत है, मसल्स की मरम्मत करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए, मूड को बेहतर करने के लिए भी ये आवश्यक है। मीन्स गुड फॉर फीमेल्स हु आर हैविंग मूड स्विंग इश्यूज स्पेशली एट मेनोपॉज टाइम बिकॉज हार्मोन्स को ये बैलेंस करता है, लिवर की रक्षा करता है। अब कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो आपको इतने सारे फायदे दे सकती है और क्यों लेनी है मेडिसिन? ब्लड शुगर को बैलेंस भी करता है, विच मीन्स इट इज वेरी गुड फॉर डायबिटिक पेशेंट्स अगेन। एंटीऑक्सीडेंट से तो ये भरपूर है, समय से पहले होने वाली जो झुर्रियां है इसको रोकता है, आपको लंबे समय तक जीवित रखता है, डाइजेशन सुधारता है, ब्रेन ठीक करता है, त्वचा को ठीक करता है, बालों को ठीक करता है। लेकिन हाँ, प्रेग्नेंट फीमेल्स प्लीज अपने डॉक्टर से बात करके ही इसकी क्वांटिटी को डिटरमिन करें। अगला इंग्रेडिएंट है मक्की का आटा यानी मेज फ्लोर। मक्की का आटा तो एक कुदरती वरदान है, ये कितना कितना डालना है मैं एंड में बताऊंगी। फुल ऑफ फाइबर, कीप यू फिल्दी, कंट्रोल्स वेट। और जो नई माँ है, जो प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अक्सर देखा गया है कि गर्भवती महिलाओं के शरीर में जो फॉलिक एसिड की कमी होने लगती है, तभी वो एक्स्ट्रा फॉलिक एसिड की टेबलेट लेनी पड़ती है। तो इस वजह से जन्म से ही बच्चे का वजन जो है वो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। आपकी गट की हेल्थ को भी ये फायदेमंद रखता है, आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। अब मैं बात करूंगी अपना अगला इंग्रेडिएंट जो कि मैंने क्या डाला है, कुट्टू का आटा। ये आपने सुना हुआ है बकव्हीट, जो हम व्रत में भी यूज करते हैं, वजन को कम करता है। जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर बचना है उससे। एक रिसर्च के अनुसार ये फाइबर से भरपूर है और जो ब्रेस्ट कैंसर है उसका खतरे को कम कर देता है। इसमें फाइबर की मात्रा बेहतर पाई जाती है और कुट्टू के आटे में एंटी ट्यूमर गुण भी होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करता रहता है साथ साथ। सो फीमेल्स डू ऐड दिस इन योर डेली डाइट। डायबिटिक पेशेंट्स खाना ही खाना है आपके लिए तो ये बहुत ही गुणकारी है। पित्त की पथरी को रोकने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखता है, हार्ट की हेल्थ जो है बनाए रखता है, हड्डियों को मजबूत रखता है, एस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, प्रोटीन का ये रिच सोर्स है, मानसिक स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छा रखता है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो तो ले लीजिए। PCOS के लिए बहुत ही लाभदायक है। देखिए, जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से ग्रसित महिलाओं के जो अंडाशय में छोटे छोटे सिस्ट बनने लगते हैं,
जिस वजह से उनके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, उनका वजन बढ़ने लगता है, इनफर्टिलिटी की समस्याएं हो जाती हैं, ये सब ठीक हो जाएंगी। आपकी स्किन के लिए और बालों की ग्रोथ के लिए तो ये बेस्ट है ही। मैं तो बोलते बोलते भी थक गई, आपको इतने फायदे बता दिए मैंने अब आपको इन आटों के। अभी भी अगर आपने इसे नहीं शुरू किया तो कितना बड़ा लॉस होगा ये सोच कर देखें। अब आप ये ध्यान दीजिए कि सप्लीमेंट्स लेना इजी है या रोटी बनाकर खाना खाना। मुझे इसे खाते हुए पता नहीं कितने साल हो गए, बट आई एम ओके विद दिस। मुझे इतना बेनिफिट मिले हैं जो मैं आपको इतनी कन्विंसिंग से बता रही हूँ, आई एम श्योर आप यू कैन फील दैट कन्विंस। सो मैं रोज खाती हूँ, टेस्ट में भी कोई डिफरेंस नहीं है, ऑल्दो मुझे इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है दूसरे आटे से। मिलाना कितना कितना है, मिलेट और रागी बराबर बराबर, और बाकी सारी चीजें आधी आधी। यानी अगर आपने बाजरे का आटा 1 कप लिया, 1 कप लिया आपने रागी का, तो अब बाकी कितने लेने हैं, आधा आधा, आधा कप मक्की का आटा, आधा मोरिंगा पाउडर और आधा कुट्टू का आटा। 5 तरह के आटे मिलाए और फिर उसका बनाकर रख लिया आपने इकट्ठा। मैंने तो अपने पास इकट्ठा कंटेनर बनाकर रखा है, थोड़ा सा निकाला अपनी रोटी के लिए गूंथा और बनाकर दिखा दी रोटी कितनी आसान है। प्लीज इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, प्रार्थना करें सभी के अच्छे स्वास्थ्य की। जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे लिए प्रार्थनाएं अपने आप हो जाती है। राधे राधे।